हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, बिहार चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन एनडीए और यूपीए दोनों गठबंधनों के अंदर घमासान भी छिड़ा हुआ है, जिससे नीतीश और आरजेडी दोनों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बावजूद दो मुख्य गठबंधनों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। बिहार के दोनों गठबंधनों की रूपरेखा अभी तक तय नहीं हो पा रही है। सत्तारूढ़ एनडीए में पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। चिराग पासवान रोज नीतीश को धमकियां दे रहे हैं। जब नीतीश ने रामविलास पासवान की बीमारी को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की तो एलजेपी की नाराजगी और बढ़ गई। रामविलास जी काफी बीमार है सर। रामविलास जी काफी बीमार है सर। नीतीश के इस बयान को पासवान की पार्टी ने संवेदनहीन बताया है। एलजेपी लगातार संकेत दे रही है कि संबंध बिगड़े तो वो अकेले ही चुनाव में उतर सकती है। पासवान की पार्टी की दूसरी नाराजगी जीतन राम मांझी को एनडीए में लेने को लेकर है, जिन्हें नीतीश कुमार इस वक्त ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। बीजेपी इस लड़ाई को लेकर भारी असमंजस में है। पहले ही गठबंधन में दरार पड़ते हुए दिख रही है, लोजपा नाराज है, चिराग नाराज है, तो क्या ये दिक्कत वाली बात नहीं है? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय। महागठबंधन की अगुवाई कर रहे तेजस्वी यादव की आरजेडी की दिक्कतें भी कम नहीं है। महागठबंधन में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी गठबंधन छोड़ने की कगार पर पहुंच गए हैं। जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। 15 साल तक इन लोगों ने जो है जनता का शोषण करने का काम किया, मजदूर को जो है अपमानित करने का काम किया है। 40 लाख मजदूरों को जो सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद भी इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया, कई नौकरियां जो है रिक्त पड़ी रह गई, कई पदे जो है रिक्त पड़ी रह गई, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए लोगों ने जो पलायन किया है, लोगों में भारी आक्रोश।